हे मोर वरेण्य विचारक मंडळी सहेटा देवता मानकर आनंद मिसिले जेतिकी आउ जणकर आनंद मिसिला कहार आनंद कहार उपनिषद प्रमाण देले ते सतं देवानां आनंदः सहे को इंद्रस्य आनंदः सहेटा देवता मानकर आनंद मिसिले जेतिकी देवराज इंद्रंकर आनंद होची सेतिकी ते सतं इंद्रस्य आनंदः स एक बृहस्पतिर आनंद शहेटा इंद्रंकर सुखटा जेतिकी बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति सुखटा शहेटा इंद्रंकर सुख को एकजुट करदेले जेतिकी भोग करुछंदी सिए सेतिकी भोगर अधिकारी होचंदी गुरुदेव बृहस्पति साढ़े चारे प्रजापिता बृहस्पति आनंद मिसिले जेतिकी प्रजापिता कहले ब्रह्मा आनंद ते सतं प्रजापिता आनंद ब्रह्मण आनंद गोटे ब्रह्म कहले परम ब्रह्म सुखटा किंतु परम ब्रह्म सुखटा ठारु बड़ सुख कौन किछि नहि परम ब्रह्म सुख ठारु बड़ सुख अच्छे प्रेमानंद सगुण साकार भगवान कृष्ण आनंद साड़ को गले बहुत कथा कहिया पड़ो मु साड़ को जाऊ समय हो गला आलोचना करूथिले जे जे अटिक रुहंतु हमर एउटा प्रकार के कलम पाई धरियो पुनो करा हां एउटा पाई धरियो पुनो करा एउटा प्रकार के ये एउटा रकम आ एउटा रकम अल्लाह इमिति ना सकल जा हेले भी बाधि होन हे मोर वरेण्य विचारक मंडळे आपण माने विचार करिवे आनंदटा कोठी अछि कहिवार उद्देश्य जे ये संसार भितरे जदि आमे सुख साउटीबा वृथा तेणु कंस जानी संसार भितरे रहिले कर्म कले केते कष्ट भोग करबा को पड़ी तेणु मा मु बाया बाबा बाया गीतारे लिखिले पद्धति कौन लिखिले कौन लिखिले ना मु तटई बाबू रे से तो ए पुआ ये बड़ा विषम तो हराई ये पारो ये जाति पूरा धारा मूसा विचारक मंडली मु होची बड़ खतरनाक तेणु जाति कुल सब किछि हरई दबो कहिबार उद्देश्य आग को बहुत गुढ़ तत्व रहला साड़ को जीवन मुंडटा साड़ को चली जाउ छाड़ी दे बाबा आलोचना करूथिले करि चलुथिबा तेणु मामू कंस कंस को मामू को मारिले ना कंस भितरे जो प्रकृति भावनाटा थिला जे कृष्ण होचंती भगवान जो भगवान जन्म कृष्ण जन्म ये जो भावनाटा थिला मंद भावनाटा धर्म संस्था अपना थाय संभवामी युगे युगे ये हृदय भितरे धर्म भावनाटा को जाग्रत करि देले भल भावना सात्विक भावनाटा को कंस भितर जाग्रत करि देले नहीं आज्ञा धर्म नाश हुए प्रभु निजे पहुंच के धर्म को माने रक्षा करते कहुची किया दुर्योधन कहुची तू तो मामू को मारी सियाड़े चलो सियाड़े चल तमे को एड़े जाऊ थबो अच्छा अच्छा एड़े चलु ना हाउ 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 तन कहिबार उद्देश्य दुर्योधन कोचे हे केशव तू तो मामू कंस को मारी छ तन बाबू रे जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी पदटी प्रमाण देले आपण मानक पाखरे भगवान ये तो नाम परम दयालु दुष्ट विनाशी संत पालु प्रभु कहा को मारती मऊसा प्रभु समस्त कृपा करी चंती रावण हो बाली हो
जिते राक्षस माने अछन्ति समस्त उपरे प्रभुंकर कृपा अछि ताकु मारि नाते ताकु तारी छन्ति केमिति बाबुरे तेणु आज दुर्योधन कहुचि हे केशव सेतकि नुह आग को गले जगत गुरु कृपालु महाराज पदटा पड़ब आलोचना पड़ब कह तेणु कहते हे केशव मु मो मामु को मारी तू तो मामु को मारु तो मामु कंस को तू मारी अरे जहा हेले भी विश्व जानिला तोरी पाई तो मामु मला ना आउ आम मान मरी कि प्रथम कथा गला द्वितीय रे कौन कहिलु मु अन्याय रे पसा खेली पसा खेल मोर भूल मोर कौन भूल कि पसा खेल मोर जी भूल नुह तू आज विश्वर विचारक हो जज हो तू आज पसा खेली जो भगवान कृष्ण आज विश्वर विचारपति न्याय देला वाला आज अन्याय कर्म करमी गज कुंभीर गंडुकी नदी में युद्ध कला बेले ये तोली धरला पद्म तोली धरला पद्म मूल डाकिला रख आदि मूल गज कुंभीर गंडुकी नदी में युद्ध कला बेले कुंभीर ठार गज बंचा तोते डाकी समय तू कौन कर अष्टपाट राणी मान सहित पोसा खेली मुझे भितर जगत को जाऊनी शरीर तत्व भितर भी मतलब गज कुंभीर अच्छा साड़ को गले बहुत कथा हाँ तेणु हे मोर विचारक मंडली आज दुर्योधन कह केशव तेणु मु कौन पसा खेली तू पसा खेली नी ना कौन मऊसा ठीक ना भूल सब ठीक दुर्योधन कहते हे केशव से नुह तृतीय कौन कहलु ना मु द्रौपदी को राजप्रसाद उल्लग्न करी अरे मु सिना उल्लग्न करी तू कौन नारी मान को लग्न कर नारी मान को लग्न कर जानलु तू सब वर्षा घर सब जहाँ भूल भाला काम कर तोर कथा बार्ता ठीक ना तू पी एट सचोट बुलाऊ दुर्योधन कला हे केशव तू कौठ उल्लग्न कर दिन कृष्ण दास आपत सब जानते मान पालार परंपरा पालार रीतिनीति पालार भावधारा पाला गाइले कौन हुए पालारू कौन मिले मान मु भावी नख कोण से कणे जान नी जे जे जी जानते सी हूँ वरिष्ठ कलाकार हरिनाथ नरिनाथ विभिन्न प्रकार बड़ बड़ गायक मान निरंजन गले समवयस्क नाखापाखि व्यक्ति सी पाखापाखि व्यक्ति पाला गाँव यही बयस जो बसा घरे आम ताल पक नाचुले देखिकी का पाद तले सत सत प्रणाम झांसी झांसी राणी साहू पर पाला गाँव हतभागा तू तो मारी दबु मते तू का सदरे पाला गाइबु नारी को उल्लग्न करी दिन कृष्ण दास रस कल्लोटे प्रमाण दिन कृष्ण दास रेडी अच्छे नहीं राग हूँ आज्ञा आहारी ताल हूँ त्रिपटा बाबरे दुर्योधन कहते केशव तू कौट उल्लग्न कर
ଅସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସତରେ କଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି କି ତୋର ତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଡର ମାଡିବ ତତେ ପାଲାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଟିରେ ତା ପାଟିରେ ପାଣି ଦବା କଥା ତୁ କେମିତି ପିଇଲୁ ରୁଟି ଦୀପଟ ଖାଅ ଏଣିକି ଭାଷା ସଂଯମ କଣ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ତୁ ଆକୁ ବି ଜାଣିଛୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିନୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତୁ ଗାଲ ବୁଲିଯିବ ମୋର ବିଲକୁଲ ଦରକାର ତୁ ଏତେ ବଡ କଳାକାର ଟିରେ ମାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କାଟିବ କଥା ରହିଥିଲା କୋଉଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ହେ କେଶବ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କରି କଦମ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ସବୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତର କଥା କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁ ଏମିତି ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଣିଲା ଇଏ ତୃତୀୟ କଥା ଗଲା ଚତୁର୍ଥରେ କଣ କହିଲୁ ଚତୁର୍ଥରେ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ବରାବେ କହିଲା ବିଶ୍ୱ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ କହିଲୁ ନା ମୁଁ କୁଆଡେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ହଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଛି ଆରେ ମୁଁ ସିନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଲି ଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ବିଷ ଢାଳିଦେଲୁ କେଶବ ସେ ବିଷରେ ବିରହ ଅଗ୍ନିରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ କଣ ଜେଜେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ପଦ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରାକୁ ଗଲୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ନିରୀହା ସରଳା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ଚାରିଦିନ ପରେ ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ ଫେରିଛୁ ନିରୀହା ସରଳା ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେତେ ପୁରା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ଭୁଲ
सरला निरीहा नारी माने कौन दोष करथिले काहे कि तू आज तांकु एते कष्ट देलु केमिति बाबरे राग होचि आषाढ़ शुक्ल विदग्ध चिंतामणि काव्य पदटी आसु ते मा